नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पड़ोसी पाकिस्तान को मिला एक और कड़ा संदेश, भारत ने ठुकराई कश्मीर पर विशेष वार्ता की पेशकश। भारतीय उच्चायुक्त ने पाक विदेश सचिव से मुलाकात कर सौंपा जवाब। हाफिज ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, पाक आर्मी चीफ से कहा जम्मू कश्मीर भेजो सेना, पूरा करो जिन्ना का आदेश, कश्मीरी रहना चाहते हैं पाक के साथ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग, पीओके से लोकसभा में हो 5 सीटें, विधानसभा में 24, कहा मुजफ्फराबाद में लहराएंगे तिरंगा, पहले भी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए रख चुके हैं मांग। भारत ने चीन के खिलाफ बढ़ाई ताकत, सीमा पर टैंक जेट तैनात, अरुणाचल प्रदेश में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू। और झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ जीएसटी बिल, बिल के लिए बुलाया गया विशेष सत्र, असम और बिहार के बाद तीसरा राज्य बना झारखंड। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए भारत ने कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की उसकी पेशकश ठुकरा दी है। हाल ही पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर विशेष वार्ता का प्रस्ताव दिया था, भारत ने इसका आधिकारिक जवाब सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त ने इस्लामाबाद में पाक के विदेश सचिव से मुलाकात की है, उन्होंने उन्हें पेशकश पर भारत का जवाब सौंपा है जिसमें प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने सोमवार को इस्लामाबाद में भारत से हाई कमिश्नर गौतम बम्बेवाला को बुलाकर विदेश सचिव एस जयशंकर के लिए एक चिट्ठी दी। इस चिट्ठी में जयशंकर को इस्लामाबाद आकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात करने को न्यौता दिया गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 24 सीटें होनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे वे सांसद हैं जिन्होंने दो बार प्राइवेट मेंबर बिल लाकर लोकसभा में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए 5 सीटें रखने की मांग की थी, लेकिन उस वक्त उनके बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। पीओके को लेकर मोदी सरकार के बदले रवैये और प्रधानमंत्री के हालिया बयान के बाद अब दोबारा से ये मांग उठी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने कहा मोदी जी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद का यह भी कहना है कि भारत जल्दी ही मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा झंडा फहराएगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की पत्नी को जान से मारने की धमकी मिली है, यही नहीं फोन करने वाले शख्स ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। मामले में शिकायत के बाद बुधवार को दिल्ली के तुगलकाबाद रोड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स केंद्रीय मंत्री की पत्नी से 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, यही नहीं उसने उन्हें ये भी धमकी दी कि यदि वो ऐसा नहीं करती है तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। आरोपी मंत्री की पत्नी को निजी बातों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तुगलक रोड थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इलाके के आला पुलिस अधिकारी इस और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जमात और दावा प्रमुख हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। कराची में डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कहा कि वो कश्मीर में न सिर्फ सेना भेजे बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के लंबित आदेश का पालन करे। डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बैनर तले एक रैली को संबोधित करते हुए सईद ने दावा किया कश्मीरियों ने विभाजन से पहले घोषणा की थी कि वे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विभाजन के बाद भारत ने जबरन जम्मू कश्मीर में सेना भेज दी। इस पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कमांडर इन चीफ को सैनिक भेजकर जवाब देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। भारत ने पूर्व उत्तर में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों, खुफिया ड्रोन और मिसाइलों की तैनाती के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में टैंक रेजिमेंट्स और सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। अपनी पूरी रणनीति के तहत भारतीय वायुसेना शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सक्रिय करेगी। यहां से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर संचालित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और पूर्वी वायु कमान के चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे।
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को सर्वसम्मति से जीएसटी बिल पारित हो गया। झारखंड देश का तीसरा राज्य है जहां जीएसटी बिल पारित हो गया। इससे पहले असम व बिहार विधानसभा में जीएसटी बिल पारित किया है। असम में पिछले सप्ताह जबकि बिहार में मंगलवार को जीएसटी बिल पारित हुआ। बिल को पारित करने से पहले विधानसभा में जीएसटी बिल पर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने चर्चा की और अपने अपने तरीके से इसमें खूबियां व खामियां गिनाई। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सदन के पटल पर जीएसटी बिल पेश किया और इसे व्यापक वित्तीय सुधार वाली पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे खनिज पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जीएसटी बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और अपने देश में एक टैक्स कानून चलेगा। मुलायम को मुख्तार पसंद है लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नहीं। कल से ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है। शिवपाल ने इसके लिए मुलायम से हरी झंडी ले ली है लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव अब भी राजी नहीं है। मुख्तार का ये मामला मुलायम परिवार में मूंछ का सवाल बन गया है। नेताजी के इशारे को आदेश बताकर दो दिन से यूपी की राजनीति को अपने आसपास घुमाने वाले शिवपाल यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुलायम ने भले ही मुख्तार को लाने के लिए शिवपाल को हरी झंडी दे दी है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव किसी कीमत पर राजी नहीं है। अखिलेश को अपनी छवि की चिंता है क्योंकि बाहुबली की बदनामी को साथ लेकर वो चलना नहीं चाहते। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मालाबार हिल स्थित राजभवन परिसर में अंग्रेजों के समय का 150 मीटर लंबे एक बंकर का पता लगाया है जो कई दशकों से बंद पड़ा था। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल देर शाम बंकर का जायजा लिया। राव अपनी पत्नी विनोदा के साथ बंकर देखने गए। इसके बाद राज्यपाल ने इसे संरक्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मशवरा करने का अपना इरादा जाहिर किया। राज्यपाल ने बंकर को तब खोलने का निर्देश दिया था जब 3 महीने पहले पुराने लोगों ने उन्हें राजभवन के अंदर एक सुरंग मौजूद होने के बारे में बताया था। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि 12 अगस्त को राजभवन में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने बंकर के प्रवेश को बंद करने वाली एक अस्थायी दीवार खोल दी। एक भूमिगत सुरंग की बजाय कई आकार के 13 कमरों वाली एक पूरी बैरक का पता चला है। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों के दलदल में फंसकर और भूख से मरने की आज तक की खबर पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ कि गायों की मौत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस गौशाला में बड़ी संख्या में गायें पॉलिथीन किल ब्लेड बैटरी इंजेक्शन और सिक्के खाकर भी मर रही है। लोग गायों को लावारिस छोड़ देते हैं जहां तहां वो पॉलिथीन के साथ ये सब भी खा लेती है जिसकी वजह से दम तोड़ रही है। हिंगोनिया गौशाला में गायों के ऑपरेशन में पेट से दर्जनों किले ब्लेड सिक्के मोबाइल बैटरी पत्थर जंजीरे चेन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन और इंजेक्शन जैसी चीजें निकलती है। इन चीजों के पेट में होने की वजह से गाय बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। इन सबसे ज्यादा खतरनाक पॉलिथीन है। एक तरफ सरकार एनजीओ और जनता मिलकर गंगा सफाई और गंगा के कायाकल्प का काम करेंगे तो दूसरी ओर जल संसाधन और गंगा पूर्ण जीवन मंत्री उमा भारती 2 साल तक हर सप्ताह 2 या 3 दिन गोमुख से गंगा सागर के बीच गंगा किनारे पदयात्रा करेंगी। भारती का कहना है कि इस तरह कदम दर कदम नापते हुए वो गंगा और गंगा पुत्रों की मुश्किलें आसानी से समझ पाएंगी। तब स्थायी उपाय करना ज्यादा संभव होगा ताकि 2018 में गंगा को फिर से स्वच्छ निर्मल और अविरल करने का लक्ष्य पा सके संकल्प साकार हो सके। यानी इसके लिए एक्ट भी बनेगा तो वो जनता की इच्छा के मुताबिक खासकर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की इच्छा के मुताबिक क्योंकि वो गंगा को सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर समझते हैं और संवेदनशील भी है। इस न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।